हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी के एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि वो सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि नेवी डबल ए के एग्ज़ाम में 10 से लेके 12 अगस्त तक दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं वो मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा आज इवनिंग में शाम को। तो फ्रेंड्स, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उन रिमेनिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या है? रिमेनिंग क्वेश्चंस का मतलब है कि जो हमारे नेवी डबल ए के एग्ज़ाम हुए थे 10 से लेके 12 अगस्त तक, उसके जो हर दिन दो शिफ्ट चली थी यानी टोटल छः शिफ्ट चली थी, उन जो छः शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने अलग से चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है नेवी डबल ए के एग्ज़ाम रिव्यूज़ की, तो वो क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो इस वीडियो में आ जाएंगे। और हाँ, जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में नहीं आ पाएंगे क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए मुझे उनको एक से ज़्यादा वीडियोज़ में बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चंस बचते हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोज़ अवेलेबल करा दूंगा जो आपको कल लगभग इसी टाइम देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चंस जिन्होंने नेवी डबल ए का एग्ज़ाम दिया उनके लिए तो बेनिफिशियल हैं ही कि उनको अपने एग्ज़ाम का अंदाज़ा हो जाएगा उन्होंने किस टाइप से अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, एसएसआर, नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम हो गया, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो गया, उनके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होने के बहुत सारे चांस होते हैं। एसएसआर जो नेवी है, नेवी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। डबल ए में जो भी क्वेश्चंस आए हैं हो सकता है वही क्वेश्चंस, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एसएसआर के पेपर में देखने को मिले या फिर उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। हो सकता है जीके के जो क्वेश्चंस आए हैं वही के वही आपको सेम रिपीट हो गए एसएसआर के एग्ज़ाम में मिले। तो इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर कवर कर लेना, ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे ये, कहीं ना कहीं आपकी एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स की मदद कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक अपना सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आपको हर नई अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन अपने नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। ये पूछा गया है कि लॉग एक्स जिसका बेस 2 है इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें लॉगरिथम चैप्टर बेसिक भी आता है, उसका बेसिक भी आता है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा कि 2 की पावर 4 कर दी जाए तो वो एक्स के इक्वल है। इसमें इस टाइप से ये लेसन बन जाता है यहाँ से, अगर आपने लॉगरिथम चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या अच्छे से भी नहीं बेसिक पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हैं। ये लेसन बन गया तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, यानी कि 16 ये आंसर हो गया। मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उनको मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलूँगा और जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको बाद में हम कवर करेंगे जब मैं ये सारी वीडियोज़ डाल दूंगा। उसके बाद हम इनको क्वेश्चंस को जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनकी मैं एक अलग से सीरीज़ बना दूंगा और इनको सोल्व कराता रहूँगा बारी बारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देख लीजिए। लॉग इसका बेस है 10 और एक्स स्क्वेयर माइनस 6x + 45 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर रिलेशन बनेगा 10 की पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस के 6x और प्लस में 45, जैसा कि ये दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। आगे जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स इन हाउ मैनी वेज दे कैन सीट, ये 4 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं कितने वेज में बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये परमूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, अदरवाइज़ मैंने बता दी है। मैं नेक्स्ट सीरीज जब डालूंगा जब ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे कि मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन को सोल्व करके उसकी एक सीरीज़ डाल दूंगा, बाद में आपको सोल्व कराता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, ए डाइस इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार उछाला गया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनका सम
15 है, यानी कि 3 बार टॉस होते हैं। मान ले एक बार कुछ आ गया, 5 आ गया, एक बार 4 आ गया, एक बार 3 आ गया, इस टाइप से तीनों का सम 12 हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, 12 नहीं 15 हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0, सॉरी 0 नहीं 10 है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 12 है, तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज पे, वेक्टर की आइडेंटिटी पे बेस है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देख लीजिए एक बार, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक आपको किस टाइप से करना है। यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, और ए डॉट बी इसके इक्वल दे दिया। हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और जो यहाँ पे होता है कोस थीटा इक्वल टू 12 हो गया। अब यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू निकल आएगी, तो कोस थीटा की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ पे हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन साइन थीटा, वहाँ पे कोस थीटा नहीं होता, वहाँ पे साइन थीटा होता है, तो आप कोस थीटा की वैल्यू को साइन थीटा में चेंज कर देना और वहाँ पे कर देना, तो ये आपका इजीली क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आगे है, जल तरंगे होती हैं, तो जल तरंगे यानी कि वाटर वेव्स वो होती हैं अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, इंग्लिश में बता देता हूँ, अनुदैर्ध्य है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। तो जो जल तरंगे हैं वो दोनों टाइप से होती हैं, ये इन दोनों का मिक्सचर होती हैं, दोनों का कंपाउंड होती हैं, वो अनुप्रस्थ भी होती हैं अनुदैर्ध्य भी होती हैं, यानी कि जो वाटर वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स भी होती हैं नेचर में और लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, दोनों होती हैं वो। आगे देख लीजिए, सेवन्थ क्वेश्चन इंग्लिश का है, इंग्लिश से ए डैश ऑफ प्यूपिल्स, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन फिल करना था, वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इनमें वैसे तो जो ऑप्शन है उनमें से अच्छे से चूज होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें देखते ही मिल जाता है कि इसका ये आंसर होगा, लेकिन इस पे मैं पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ क्या है पॉसिबिलिटीज, इसमें क्लास आ सकता है क्लास ऑफ प्यूपिल्स। ठीक है, आगे बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर इसके क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे कमेंट सेक्शन में ही कि इसके क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, अदरवाइज अदर कोई ऑप्शन नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास ऑफ प्यूपिल्स। आगे 8 क्वेश्चन इंग्लिश से है, आर्टिकल से, तो इसमें क्या यहाँ पे आर्टिकल फिल करने हैं दोनों ब्लैंक्स में, डैश इटालियन केम टू सी मी डैश आवर एगो, तो आपको पता है आवर एगो इसमें क्या आता है, एन आवर एगो आता है, क्योंकि ए आएगा नहीं, आवर आवर की साउंड क्या है, स्वर की साउंड है हिंदी में, तो यहाँ पे एन आएगा, एन आवर एगो यहाँ पे आ गया एन, और शुरू में ए द इटालियन, ए इटालियन, एन इटालियन, तो ई है, तो ए एन में तो एन यूज़ होगा, और द क्यों नहीं यूज़ होगा, द उसी के लिए यूज़ होता है जो पहले किसी चीज़ में आ चुका हो, और अगर हम इटालियन के आगे द लगा देंगे तो इसका कुछ और ही मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन इटालियन केम टू सी मी एन आवर एगो, दोनों में एन यूज़ हो जाएगा। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन दिया गया है, वो भी इंग्लिश से है, ए पर्सन हु सर्व्स इन रेस्टोरेंट, एक पर्सन जो रेस्टोरेंट में सर्व करता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अगर ऑप्शन होते तो हम अच्छे से सिलेक्ट कर देते, बाकी मैंने आपको जो आंसर हैं पॉसिबिलिटीज़ वो आपको बता दी हैं इसका, या तो आपका बारिस्टा आ सकता है या फिर बारमन आ सकता है। अब देख लीजिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बारिस्टा क्या होता है, बारिस्टा भी वही पर्सन है जो रेस्टोरेंट में सर्व करता है, लेकिन ये क्या सर्व करता है, कॉफ़ी वगैरह। ठीक है, और बारमन क्या है, बारमन एक ऐसा पर्सन है जो सर्व करता है यही क्या, वो कॉफ़ी नहीं, वो बल्कि ड्रिंक्स सर्व करता है, जो ड्रिंक्स होती हैं वो बार में वो सर्व करता है, तो यहाँ पे आई थिंक बारिस्टा ज़्यादा होने के चांस हैं, अगर ऑप्शन में बारमन भी है बरिस्टा नहीं है तो बारमन आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे 10th क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का वेग 50% बढ़ जाता है तो उसकी गति गति ऊर्जा बढ़ेगी, पिंड का वेग यानी कि किसी भी चीज़ का वेग का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 50% बढ़ जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, कितनी इंक्रीज होगी, तो जो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे उसका मास बढ़ानी, ठीक है, यानी ओनली वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग वेग बढ़ गया तो कितना बढ़ा है 50%, यानी कि होता है 150, नो सॉरी 100, और बढ़ गया 50 यानी हो गया 150, तो ये कितना 3/2 बढ़ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वेयर, अगर हम वी की जगह एम, तो हाफ एम तो सेम ही रहेगा दोनों में, वी की जगह ये क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वेयर यानी कि 9/4, यानी
फोर से कितना इंक्रीज़ हो गया, ये नाइन इंक्रीज़ हो गया, टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ, पाँच, ठीक है, पाँच इंक्रीज़ हुआ, नाइन बाई फोर हो गया, जबकि होता था वन फोर बाई फोर, यानी वन का मतलब फोर बाई फोर ही होगा, तो कितना इंक्रीज़ हुआ ये, नाइन बाई फोर माइनस फोर बाई फोर, फाइव बाई फोर इंक्रीज़ हुआ, फाइव बाई फोर का मतलब क्या होता है, 125%, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 125% होगा, इसकी गतिज ऊर्जा 125% बढ़ेगी, ठीक है, राइट आंसर आपका हो गया ये 125। आगे देख लीजिए, इलेवंथ क्वेश्चन है आपका, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ये टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, नई वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, अभी तो 10 क्वेश्चन में है। प्रत्यक्षता गुणांक का डायमेंशन फॉर्मूला, तो प्रत्यक्षता गुणांक का डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपका एम एल वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 12, ग्रेविटी फोर्स ऑन अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर पे ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ये पूछा गया था। 13 क्वेश्चन क्या पूछा गया, बर्नौलिस थ्योरम किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो बर्नौलिस जो थ्योरम है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है। आगे पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का मापन किससे किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मापन तार अमीटर से किया जाता है। आगे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीरीज जो सीक्वेंस एंड सीरीज से और लॉगरिथम दोनों के मिक्सचर से है, नहीं सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं, सॉरी, ये ओनली लॉगरिथम पे आपका क्वेश्चन है, ये आपको एक जो है फॉर्मूला सा होता है वो आपको आइडेंटिटी सी याद करनी होती है, ये बस आपको याद करने ही होते हैं, रटने ही होते हैं, ठीक है, ये जो 15 क्वेश्चन है देख लो आप। 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन वेक्टर से है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, ठीक है, इनका मैं सॉल्यूशन आपको एक अलग से वीडियो बना के वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। 17 क्वेश्चन में वन बाय म्यू एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बतानी है, ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मुझे स्टूडेंट्स द्वारा ही प्रोवाइड किए गए हैं, मैंने उनके नाम भी लिख रखे हैं ब्रैकेट में, कि जो सचिन यादव, ये जो आपको क्वेश्चन दिखने को मिल रहे हैं ये सचिन यादव द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, सचिन यादव द्वारा, ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको ये मिल रहे हैं अभय चौधरी द्वारा, ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है जेड वन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है मैथ्स का, जेड वन दे रखा है 1+2 आयटा और जेड टू 1+3 आयटा, तो यहाँ को जेड वन बाय जेड टू निकालना है, ठीक है, आप निकाल सकते हैं इनको, फिर 1/2 आयटा बाय 1+3 आयटा इनको डिवाइड में करके फिर आपको रेशनलाइज कर देना बस, ठीक है। आगे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है 19, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 50, पहली जो फोर टर्म्स का सम है उनका सम है 50, ग्रेटेस्ट टर्म इज फोर टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट टर्म, जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो फोर टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट टर्म है, तो ये आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी, याद से आपको जो ए और डी है उनकी वैल्यू निकल जाएगी, तो आप ए पी बता सकते हैं, जैसे कि पहली फोर टर्म्स का सम क्या होता है, पहली फोर टर्म्स ए होगा, ए होगी, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होगी, थर्ड ए प्लस टू डी और फोर्थ ए प्लस 3D, ठीक है, इन सभी का सम आपको ए प्लस डी की फॉर्म में मिलेगा, और फिर इसने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है वो फोर टाइम्स है, ग्रेटेस्ट टर्म है फोर टाइम्स है स्मॉलर टर्म के, सबसे स्मॉलर टर्म कौन सी हो गई, फोर, जो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो गई, ए प्लस 3D, जो ग्रेटेस्ट टर्म है स्मॉलेस्ट के फोर टाइम्स है, तो ये इनमें रिलेशन होगा, यहाँ से ए और डी में रिलेशन होगा, आई थिंक आप आगे इसको सॉल्व कर लोगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो किसके इक्वल है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी इन तीनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो हमें एंगल बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 क्वेश्चन दिया गया है, पी एक समलंब चतुर्भुज का समूह है और क्यू समानांतर चतुर्भुज का समूह है, समलंब चतुर्भुज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रोम्बस, और समानांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, तो आपको इनमें से सेट्स में से क्वेश्चन है पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक यहाँ आप कर लोगे। ये जो क्वेश्चन है ये मुझे राहुल सिंह द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, मैंने इनका नाम लिख रखा है। एक क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, एफ एन टू एन ये फंक्शन से क्वेश्चन है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, 1 1 ऑन 2 का, ये थोड़ा अच्छे से
यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ आपका, मेरे को अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया गया होगा या शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है लिखते वक्त, ठीक है। तो कुछ 1 1 1 2 से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है फंक्शंस का, आगे देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स डिग्री बाय एक्स, यहाँ पे ये आप इनमें पजल मत हो जाना कि एक्स बाय एक्स क्या हो गया, ये तो कट ही ना जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ऊपर एक्स है वो डिग्री में है, नीचे वाला रेडियन में है, ऐसे नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन निकालना है, लिमिट का क्वेश्चन है, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कह गया, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स दे दिया, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दे दिया, और वाई इक्वल टू गोफ एक्स हो तो एक्स इक्वल टू 0 पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है, और फंक्शन और डिफरेंशिएशन दोनों का मिक्सचर ही हो गया है क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 फरवरी 2004 को मंगलवार है तो 10 नवंबर 2004 को क्या होगा, ये कैलेंडर से क्वेश्चन है। आई थिंक आपके थोड़े से भी कंसेप्ट हैं कैलेंडर के, तो आप इस क्वेश्चन को ईजी निकालोगे, क्योंकि इसमें बस ईयर सेम ही दिया गया है, यहाँ पे आपका महीनों का ही डिफरेंस है, ठीक है, मंथ्स का ही डिफरेंस है। आगे क्वेश्चन है 27, x² - 1 + √2x + √2 में मूलों की संख्या बतानी है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, इसमें रूट्स की संख्या बतानी, कितने रूट्स होंगे, क्या क्या रूट्स होंगे, ठीक है। वो ऑप्शन में आपको दिए मिलेंगे, आप वैसे भी इसको निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है, यदि 2 ध्वनि तरंगों का अनुपात इतना है, ध्वनि के 2 तरंगों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है आपका साउंड चैप्टर से। आगे 29 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, रीजनिंग का क्वेश्चन। एक फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे भाई बहन के पुत्र की नानी है, तो रमेश ने सॉरी तो उस औरत का रमेश की बहन से क्या संबंध है, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं, कुछ एक तो होते हैं ये नाम, जिनमें नाम दिया मिलता है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान होते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। एक होते हैं ए बी की मात्रा है, इसमें आपको क्या करना होता है, ABCD दिया होता है, उसमें आपको एक डायग्राम सा बनाना होता है, वेन डायग्राम। और जो ये सिंपल हैं रमेश वगैरह, इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग मानना होता है कि जैसे रमेश की जगह खुद को रख लो, और फिर आपके ब्लड रिलेशन के इजीली सोल्व हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, लो रेजिस्टेंस, इलास्टिसिटी, इनर्सिया, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, आपको ये काफ़ी पसंद आई होगी। एक शिकायत ज़रूर रही होगी आपसे कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए, तो सॉल्यूशन जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन बता देता तो सॉल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की भी मैं वीडियो लगातार आपको अवेलेबल कराता रहूँगा, जैसे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ठीक है। इससे वीडियो ज़्यादा लेंदी भी नहीं होंगी, आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था कि जो अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट की नंबरिंग है, वो मैं आपको ट्रिक्स याद करवाऊंगा, उसकी जो वीडियो है वो मैं आपको कल अवेलेबल करा दूंगा, कुछ 9 बजे के आसपास, ठीक है, मॉर्निंग में, इवनिंग में नहीं, इवनिंग में तो सेम यही सीरीज चलेगी आपकी, पार्ट 2 होगा रिमेनिंग क्वेश्चंस का, जो 11, 12 या 10 शिफ्ट में पूछे गए हैं उनका, और जो आपकी अल्फ़ाबेट नंबरिंग की ट्रिक्स वाली वीडियो है वो आपको कल मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जाते जाते काम करते जाइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। नोटिफिकेशन बेल आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, उसको प्रेस करने के बाद वो ऐसे हो जाएगी, इससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने नोटिफिकेशन बार पर मिल जाएगी तुरंत, विद इन सेकेंड्स, और आप कोई भी नई वीडियो मिस नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।